कमेंट्स में या फिर पैनल में ले भी लेते हो ना सब्सक्राइब, उससे क्या आपके व्यूज नहीं आएंगे, आएंगे भी, जिसको अगर आप बोलते हो कि भाई सब कर ले, वो पता है क्या करेंगे, आपके वीडियोस ओपन करेंगे, डिसलाइक करेंगे, भाग जाएंगे, एक से दो सेकंड 20 सेकंड देखेंगे या फिर लाइक करेंगे भाग जाएंगे, कमेंट वमेंट कुछ नहीं करेंगे, उससे आपकी ऑडियंस रिटेंशन बेकार होगी, वीडियो आगे नहीं पहुंच पाएगी, यूट्यूब को लगेगा बंदे की वीडियो आगे नहीं पहुंच रही, सब लोग डिसलाइक करें, वो आपके चैनल को ठप 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 बिल्कुल कोने में डाल देगा, ऐसी जगह डाल देगा कि फिर कितने भी वीडियोस डालते रहो वीडियो वायरल ही नहीं होगी, ऐसा कर देगा यूट्यूब। तो यार उसकी नज़र में थोड़ा चढ़ के रहो, अगर आपके वीडियोस पे लाइक आते रहेंगे, ऑडियंस रिटेंशन ठीक रहेगा, चैनल एवरेज ठीक रहेगा, तो वो क्या रहेगा ना, यूट्यूब खुद ब खुद उसको रिकमेंडेड में भेजता रहेगा, आपके जितने भी वीडियोस हैं लाइक सभी वीडियोस को रिकमेंडेड में भेजता रहेगा। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है, आपका ऑडियंस रिटेंशन ही बेकार होगा, अगर उस तरह से आप सब्सक्राइबर ले भी लेते हो तो उसका ऑडियंस रिटेंशन आपका बेकार हो जाएगा, वो वीडियोस नहीं देखेंगे, लाइक डिसलाइक करके वो भाग जाएंगे 10-15-20 सेकंड में। एंड अब बात करते हैं कि आपको सब करना कहाँ पर चाहिए, बेस्ट 2019 में सबसे बेस्ट ट्रिक, अभी यूट्यूब ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट ट्रिक है इंस्टाग्राम पर सब को सब करो। अगर आप किसी के मान लो किसी एक बड़े यूट्यूबर टेक में, अगर आप टेक्नोलॉजी में आपका चैनल है तो मनोज देखो ले लो, मुझे ले लो, मुझे मत ही लो यार, मैं छोटे मोटे को मत लो, मेरे जैसे को फालतू हो जाएगा, मनोज देखो ले लो, लाइक टेक्निकल गुरु जी को ले लो, अब इनको करना कहना, आप इनके फॉलोअर्स में जाओ और देखो कि इनके फॉलोअर्स में जितने भी लोगों ने फॉलो कर रखा है ना, इनको पता है कितने फॉलो कर रखा है, हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, जितने भी टेक्नोलॉजी के लोग हैं ना, टेक यूट्यूबर, इंडियन टेक यूट्यूबर, उन्होंने फॉलो कर, फॉलो करना है उनको, मैसेज करना है, फॉलो उनके फॉलोअर में जाओ और जितने भी देखो कि आज उन्होंने चैनल का लिंक तो दे ही रखा होगा, जिसने फॉलो कर रखा है अपने अपने वो अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ पर देखो जिसके 500 1000 2000 सब्सक्राइबर्स है ना, उनको बोलो, मैसेज करो कि भाई आप अपना नंबर दे शेयर कर सकते हो तो करो, बात करते हैं और बातचीत करो, ऐसे डायरेक्ट मत बोलो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, ऐसे तो यह बेकार हो जाएगा, वो करके और फिर वीडियो आपकी देखेगा नहीं, मैसेज पे बातचीत करो, व्हाट्सअप नंबर दो अपना, शेयर करो, बातचीत करो और उसके बाद उसको बोलो कि भाई आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, इस तरह करो ना। मैंने भी स्टार्टिंग में इस तरह का इंस्टाग्राम का ये ट्रिक आजमाया था, कुछ सब्सक्राइबर्स मैंने भी लिए थे, 500-1000 सब्सक्राइबर्स उससे काम आए थे मेरे वीडियोस को, वो लोग देखते थे, मैंने भी वहाँ पर दोस्ती यारी बढ़ाई थी इंस्टाग्राम पर, तो फॉलोवर्स में जाओ, वहाँ पर जितने भी है ना टेक यूट्यूबर है, हम जैसे लोग हैं, तो उनको बोलो, उनको फॉलो करो, मैसेज करो, अपना नंबर दो, उनका नंबर लो, बातचीत करो, डायरेक्ट आप मनोज देखो फॉलो करोगे, उसको मैसेज करोगे तो वो डायरेक्ट थोड़ा आपका मैसेज या रिप्लाई देगा, वो तो खुद बिजी बंदा है, या आप मुझे कहोगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो यार ये पॉसिबल नहीं हो पाती, आप कम से कम 500-1000 वाले को लो। बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया हो कि आपको सब फॉर सब 2019 में अब जो है नहीं करना चाहिए, वेबसाइट से या फिर कमेंट में जो आप लिंक भेजते हो सब फॉर सब करने का, वो नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप लिंक से मत कीजिएगा, उनको बोलिए कि ये मेरे चैनल का नाम है, उनको नाम टाइप करके भेजिए, उनको बोलिए सर्च कीजिए, उसके बाद आप करवाइए, कोई झंझट नहीं होने वाली, अगर आप लिंक से करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप पकड़े जाओगे दोस्तों। बस फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ही होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और साथ में उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली टेक। दोस्तों अगर आप भी है मेरी तरह यूट्यूबर तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम नया चैनल क्रिएट करते हैं या कोई भी ऐसा बंदा है जो नया चैनल क्रिएट करता है पहली बार, तो उसे ज्यादा नॉलेज नहीं होती है क्योंकि उसे यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो चार तरह की कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनमें से एक दो गलती तो जरूर करता है और कुछ कुछ लोग तो चारों की चारों गलतियां कर देते हैं। ये जो चार गलतियां जिनके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये चार गलती आपके चैनल को बिल्कुल बर्बाद कर सकती है। बर्बाद कैसे, कि आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करोगे अपने चैनल पे और एक दिन आपको पता चलेगा कि आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, या मान लो गलतियां करने के बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो कभी भी मोनेटाइज बंद कर दिया जाएगा। तो ये चार गलती जो मैं आज बता रहा हूँ ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक सूचना मैं और देना चाहता हूँ कि खबरी एप्लीकेशन जो है वो एक तरीके का ऑडियो चैनल का एप्लीकेशन है, जहां पर मैं आ चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और वहां भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको मेरे ऑडियो सुनने को मिलेंगे जिनमें मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अपडेट देता हूँ। तो अगर आपके पास समय की कमी हो तो एक दो मिनट के ऑडियो होते हैं तो आप सुनते हैं टेक्नोलॉजी से अपडेट रह सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार चेकआउट जरूर से जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करते रहिए, मैं वहां पे आप लोगों के प्रमोशन लगातार कर रहा हूं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। अभी 10 से 15 दिन पहले एक चैनल है यूट्यूब पर ओसो प्रेरणा,
अब ये जो ओशो प्रेरणा चैनल है, इनका मेरे पास कमेंट आया, फिर उनका मेल आया, फिर मैंने इनसे कॉल पे बात की। उन्होंने बताया कि इनका जो चैनल था काफी अच्छा चल रहा था, मोनेटाइज भी था, अर्निंग भी कर रहे थे, और अचानक से इनके जो चैनल था उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया और फिर कह दिया कि अब आप 30 दिन तक रीअप्लाई भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे चैनल से जिनका ये एक्सपीरियंस मेरे सामने आता रहता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, चार तरह की हम गलती करते हैं। पहली जो गलती है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं ऑटो जनरेटेड कंटेंट। अब ये ऑटो जनरेटेड कंटेंट क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, एक मुझे वीडियो मिली थी यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने लिखा, उन्होंने मतलब ये बताया कि भैया टेक्निकल योगी झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो यार वीडियो देख लेते हैं। जैसे ही मैंने वीडियो पे क्लिक किया, उन्होंने बताया कि टेक्निकल योगी ने तो बताया था कि जो ऑटो जनरेटेड वॉइस वाले कंटेंट होते हैं वो मोनेटाइज नहीं होते। फिर उन्होंने एक चैनल बताया, बोले एक चैनल है वो तो हुआ पड़ा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप दूसरों को मत देखिए भाई, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। यूट्यूब ये कहता है कि जो ऑटो जनरेटेड कंटेंट है उसको डीमोनेटाइज किया जाएगा। अब अगर मान लो मैंने कह दिया कि किया जाएगा, तो मैंने YouTube की पॉलिसी पढ़ के ही आपको बताया है, तो इसको आप बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। क्योंकि अगर आप नया चैनल बनाते हैं और आपका चैनल अभी मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वो रिव्यू में जाए और रिव्यू में ही पड़ा रहे और वो कभी भी जो है मोनेटाइज ही ना हो। या मान लो आपको कोई ऐसा चैनल नजर आ गया जो पहले से मोनेटाइज है और वो ऑटो जनरेटेड वॉइस यूज करता है, तो आप उसको देखकर सोचोगे कि यार टेक्निकल योगी को झूठ बोल रहा है, देखो इसका तो मोनेटाइज है तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरे भाई, उसका भी कब डीमोनेटाइज कर देगा यूट्यूब पता भी नहीं चलेगा, और आपको भी पता नहीं चलेगा आपको कब कर देगा। तो दूसरे के एक्सपीरियंस को इस तरह मत लो। मैं जो आपको बताता हूँ वो वही चीज बताता हूँ जो यूट्यूब की पॉलिसी है। अगर पॉलिसी के खिलाफ आप जाके वीडियो बनाओगे तो आज नहीं तो कल आपको इसका जो है पनिशमेंट मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, पहली गलती ऑटो जनरेटेड जो कंटेंट होते हैं जिसमें हम टेक्स्ट टू वॉइस करते हैं, या जो है कहीं से हम स्लाइड्स वगैरह जो यूज करते हैं और स्लाइड्स चलता रहता है, म्यूजिक चलता है, हम कुछ नहीं करते इस तरह के, जहां पे क्रिएटिविटी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। एडिटिंग करने को क्रिएटिविटी नहीं कहते। मैं आज आपको एक चीज बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वॉइस की पिच कर देते हैं, तेज स्पीड बढ़ा देते हैं, या मतलब कि इफेक्ट डाल देते हैं थोड़ा बहुत विजुअल में, ये एडिटिंग की जो क्रिएटिविटी है इसको क्रिएटिविटी नहीं मानता है यूट्यूब। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी खुद की जो कमेंट्री होगी, आप जो नरेशन करते हैं वीडियो में, वो नहीं होगा तो वो ऑटो जनरेटेड कंटेंट माना जाएगा। टेक्स्ट टू वॉइस जो हमारी वॉइस होती है, टेक्स्ट टू स्पीच, इस तरह के बिल्कुल भी आप अपने चैनल पर यूज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चैनल पहले से मोनेटाइज है तो आप कर रहे हैं, तो कब आपका डीमोनेटाइज हो जाएगा, उसका भी कब हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पहली, अब बात करते हैं दूसरी गलती की। तो दूसरी जो गलती है वो है रीयूज्ड कंटेंट, जो कि जनवरी से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है यूट्यूब। इस तरह के वीडियो बिल्कुल भी आप अपने चैनल पर मत डालिए। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि रीयूज कंटेंट क्या होता है। कॉमन क्रिएटिव वीडियोस भी तो हम यूज करते हैं, क्या वो रीयूज कंटेंट है या नहीं, ये चीज बारीकी से समझ लीजिए। देखिए, अगर आपने मान लो आपको अपने जो चैनल पर किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करनी है, ठीक है, और अनबॉक्सिंग किसी दूसरे चैनल ने अपने चैनल पे किया, आपने वो वीडियो कॉपी की, उसका वॉइस ओवर हटा के अपना वॉइस ओवर लगा दिया, लेकिन वीडियो में जो कंप्लीट विजुअल था वो उसका था, दैट इज ए रीयूज कंटेंट। इस तरह का कंटेंट आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप काम करोगे, ठीक है, ये भी बताऊंगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है रीयूज कंटेंट में कि एक ऐसा वीडियो जो कंप्लीट वीडियो बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर दिया तो भैया रीयूज्ड है, ये भी दिक्कत आपको आएगी। एक तीसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं एक वीडियो को अपने दो चैनल पर कर दूंगा अपलोड, ये भी रीयूज्ड हो जाएगा। इस तरह भी आप मत कीजिए, अगर एक वीडियो बनाते हैं तो एक ही चैनल पर कीजिए। और इसमें चौथी बात यह है कि कई बार क्या होता है कि हमारा फ्रेंड कहता है, या मान लो मैं कह देता हूँ कि भाई हमारा जो वीडियो है वो आप कर लीजिए कॉपी, हम तो कॉपीराइट कभी देंगे नहीं, लेकिन आपने क्या किया भाई साहब, पूरा का पूरा वीडियो उठाया और डाल दिया अपने चैनल पे, रीयूज कंटेंट माना जाएगा। मैं भले कॉपीराइट नहीं दूंगा कभी भी, लेकिन यूट्यूब इसे रीयूज कंटेंट मानेगा। अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, इस तरह का कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, तो अभी उन सबको डिलीट कर दिए, ऐसे कंटेंट का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और ऐसे कंटेंट है आपके चैनल में तो भी हटा दीजिए, क्योंकि कब आपको डीमोनेटाइज करके एक मेल आ जाएगा कि आपने रीयूज कंटेंट यूज किया है, और फिर आपको 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी 30 दिन तक की तो अर्निंग गई भाड़ में। 30 दिन के बाद भी आपको रीअप्लाई करने का मौका मिलेगा, और रीअप्लाई के बाद वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा चैनल को दोबारा से परखा जाएगा, ठीक है। तो ये रीयूज कंटेंट हमें यूज नहीं करना है। करना कैसे है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि दूसरे की वीडियो जब कैसे यूज कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं हम रिपीटेटिव कंटेंट, ये भी बहुत बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं, कंटेंट को रिपीट करते हैं। ओशो प्रेट